संविधान हो गया है। सही बात यही है कि हम लोग कौवे के पीछे भागते हैं, हम लोग अपने कान को नहीं देखते कि भैया कान हमारे पास। यही वजह है कि आज मसलत नशीन, सबसे पहली बात तमाम मसलत नशीनों को एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हर मुसलमान की इज्जत की हिफाजत, मुसलमान की बात करते हैं रसूल अल्लाह की नामूस की हिफाजत की। अरे मियां, सबसे पहले मुसलमानों की इज्जत तो तुम महफूज रख लो, रसूल अल्लाह पे कलमा पढ़ने वाले उनकी इज्जत तो सलामत रख लो, रसूल अल्लाह की, रसूल अल्लाह के कलमा पढ़ने वालों की इज्जत को पामाल करने के लिए कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की जाती है, कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की जाती है, हमने देखा है। गलत की किताबें लिखी जाती है एक दूसरे के खिलाफ, मुसलमान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ लिख रहा है, अल्लाह अकबर। बात क्या करते हैं, हम नामूसे रिसालत के मुहाफिज हैं, अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले की जो तुम इज्जत कर ना सके, तुम रसूल की इज्जत का क्या निवारण करोगे, क्या हिफाजत करोगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का। सबसे पहले एक आज मैं एक क्लिप देख रहा था, उस क्लिप में एक साहब है, कोई मौलाना है मान के हमारे पड़ोसी मुल्क के, वो कह रहे थे कि अगर फलाने हजरत ना होते तो आज सारे सज्जादा नशीन, गद्दी नशीन, गधा नशीन हो गए। अरे मियां, जो बैठा है सज्जादे पर वो बहुत बुरा सभी, आप उसको बुरा कहिए, आप उसको बुरा कहिए, आप नाम लेके उसको बुरा कहिए कि फलाना बुरा है। पहली बात तो सबके सामने बुरा कहेंगे तो आप उसकी गीबत कर रहे हैं, ये एक मुसलमान की हक तल्फी है, इसका जवाब आपको अल्लाह ताला के देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी से इख्तलाफ है तो आप उससे मिलकर बात कर लीजिए, आप उससे मिलकर बात करिए, आप उससे कहिए भैया हमें आपसे ये शिकायत है, ये हमारी शिकायतें हैं। लेकिन नहीं तो हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ वो जो मैंने तकरीर सुनी उन साहब की, वो कह रहे थे कि सारे गद्दी नशीन, गधा नशीन बन गए होते और आवाम उस पे कह रही है सुभान अल्लाह नारे तकबीर, जो मौलाना लोग जो स्टेज पे थे नारे तकबीर, वो लोग नारे तकबीर लगाते, वो लोग नारे तकबीर लगाते, वही तकबीर खाली देखे मिलाने वाली, अल्लाह अकबर। सबसे पहले हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। फितही मसला बयान कर रहा हूं आपके सामने, फितह का एक मसला बयान कर रहा हूं। एक बाजार है जिसमें हलाल और हराम दोनों माल बिकते हैं, हलाल और हराम दोनों माल बिकते हैं, उस बाजार में मुसलमानों का आना जाना है, खरीदो फरोख्त करना है। अब मुफ्तीए इस्लाम के लिए हुक्म यह है कि अगर उससे कोई फतवा पूछे कि फलाना मुसलमान उस बाजार में जाता है जहां पे हलाल और हराम दोनों माल बिकते हैं, तो उसके लिए मुर्तकिबे हराम का हुक्म लगेगा कि नहीं लगेगा, तो फुकहाए, हमारे फुकहा ने फरमाया, हमारे मुफ्तियान इराम ने फरमाया, जो मुफ्तबह पाल है, कि उस हराम खरीदो फरोख से बढ़कर मुसलमान की नामूस की हिफाजत है, यानी मुसलमान की इज्जत की हिफाजत है। मुफ्ती अपना कलम ऐसा कदम ना उठाए कि किसी मुसलमान की इज्जत पे दाग लगे कि वो हराम कर रहा है, वो हराम खोर है, ये कदम इस किस्म का फतवा ना दे। तो ये हमारा मजहब है, ये हमारा पाक मजहब है। अरे हमारा तो वो मजहब है जिसमें हमारे रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन यदिही व लिसानिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और उसकी जबान से उसके मुसलमान भाई महफूज रहे। ये हदीसें सिर्फ पढ़ के सुना देने के लिए नहीं होती है, बल्कि इन हदीसों पर अमल करना होता है स्टेज से बाहर उतर के बाहर की दुनिया में। सबसे पहले ये जो हमारे यहां तकरीरों का तर्ज है, ये रद्द का तर्ज, इसको बंद होना होगा। ये मैं एक आम पैगाम, चूंकि ये इंटरनेशनली जा रहा है, मैं एक आम पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त जो लोग करोड़ों की पूजा करते हैं वो लोग मुत्तहिद हैं, और जो एक की पूजा करता है वो करोड़ों फिरकों में बढ़ गए। कभी सोचा आपने इस बारे में
हम सब एक खुदा को मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? हम सब एक खुदा की पूजा करते हैं, लेकिन आज हम लोग करोड़ों हिस्सों में बट गए, और जो करोड़ों की पूजा करने वाले थे वो लोग आज एक हो गए हैं, आपस में मुत्तहिद हो गए हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले एक दूसरे की इज्जत करो, ये इस महफिल और इस मजलिस का पैगाम है। एक दूसरे की इज्जत करो, और ये जो मसाइल, जैसे हमारे मौलाना सादी फरमा रहे थे कि हमें खामोश रहने का हुक्म था, तुमने हमारी खामोशी को तोड़ने पर हमें मजबूर किया, वरना हमें शौक नहीं है। अरे हम अपने घर में रोटी खा रहे हैं, तुम अपने घर में खाओ, है कि नहीं? हम अपनी खा रहे, हम तुम मर्सिडीज चलाओ, हमें क्या, हम अपनी साइकिल पे खुश हैं, हम अपनी साइकिल में खुश हैं। अब ये बात अलग है कि तुम मर्सिडीज रखने के बाद हमारी साइकिल से जलन पाओ, साइकिल में कुछ तो है। तो हजरत गिरामी, इस किस्म की बातों को खत्म होना चाहिए, इस किस्म की बातें अच्छी नहीं है। और खास तौर पर सुन लो, मेरे मुरीद है, मैं अपने मुरीदों को कहने का हक रखता हूं, हक रखता हूं। मेरे मुरीद किसी भी सैयद के बारे में गलत कलाम नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं, ये मैं आपसे कह रहा हूं, और यही मेरे उलमा को ऑर्डर है, जो भी सैयद चाहे इस खानकाह का हो, चाहे बाहर का हो, कोई भी मिले उसके साथ ताजीम से मुलाकात करनी। और ये मेरा कोई ये नहीं कि मेंबर में, कल मेरे एक बच्चा यहाँ का कहीं का है, उससे मैं मिला, वो मुझे ऐसे करके पास कर रहा था, मैंने कहा सलाम अलैकुम बेटा, आप क्या करते हो? तो कहने का मैं दरस निजामी पढ़ता हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, आप दरस निजामी पढ़ते हैं और आपके उस्तादों ने आपको सलाम करने की तमीज नहीं सिखाई? हाँ, लेकिन उनको भागना मना किया गया। तो हजरत गिरामी, हाँ ये बातें कहना पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि आपस में इफ्तराक और इख्तलाफ ये वजह है कि आज हम तरक्की नहीं कर पा रहे, आज हम तरक्की नहीं कर पा रहे सिर्फ इस वजह से। अल्लाह ताला ने हमको सब नेमत दे रखी है, मगर यह है कि नेमत हमारे सामने है और हमें इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे। ये जितने भी मामला और मसाइल है, बंद करो इन सबको, यकसर बंद कर दो, जो जैसा है अभी वो काम की बात है, तुम कैसे हो मैं कैसा हूं, समझ रहे हो? ये काम की बात है, जो हो गया तुम्हारे उसको डिस्कस करने से क्या वो बदल सकता है? बताओ तुम पुराने जमाने में किसके बीच में क्या हुआ उसको डिस्कस करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? बताओ, क्या तुम्हारे बोलने से, हमारे बोलने से किसी का मर्तबा ज्यादा या किसी का कम हो जाएगा? बोलो हाँ के नहीं, सो गए तुम लोग सब, नहीं होगा ना? तो फिर हम लोग क्यों बोलते हैं, जो हो गया वो हो गया, वो मामला उनके और अल्लाह के बीच में, शरीयत तो सबके लिए है, चाहे वो सहाबी हो, चाहे वो गैर सहाबी हो, चाहे वो ताबईन हो। बल्कि यहाँ पे मैं एक बात अर्ज करता हूँ कि रसूल अल्लाह ने जितनी शरीयत को बयान फरमाया उसके सबसे पहले मुखातिब, अरे हम तो 1400 साल बाद है, सबसे पहले मुखातिब सहाबा इकराम। अब चाहे वो फिरते वाली हदीस को, चाहे, हाँ सही बात है, सही बात है। तो हजरत गिरामी, हमें एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना है। इस बात की कि रसूल अल्लाह ने कल गदीर खुम के अंदर अपने भाई अली को, अपने दानाद अली को, अपने प्यारे जानशीन अली को, अपने वसी को हाथ पकड़ के उठाया था और हाथ उठा के कहा था, मन कुन तो मौला हो मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला अली है। तो हमारे पास अली के साथ होने की ये दलील है। दलील किसे कहते हैं मालूम है? दलील सादी या मुमताज या नदीम या मंसूर या सलमान या मोइन, ये कहते हैं इनकी बात दलील नहीं है, इनकी बात दलील नहीं है। सिप्तैन कहते हैं ये बात दलील नहीं है। दलील क्या है? दलील वो है जो रसूल अल्लाह ने कहा, दलील वो है जो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, दलील वो है जो उमर फारूक ने कहा, दलील वो है जो उस्मान गनी ने कहा। मानते हो कि नहीं मानते हो इन बातों? हम भी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
हमने क्या देखा, हमने अबू बकर को देखा अली को देखते हुए तकते हुए, अली को तक रहे हैं। अली ने पूछा उनसे, सहाबी ने पूछा कि आप क्यों तक रहे हैं, तो कह लगे नजरो इलत अली अलग अली इबादत, अली की तरफ नजर करना मैंने सुना रसूलुल्लाह को कहते हुए ये इबादत है, इसलिए मैं तक रहा हूँ अली। ये अबू बकर का तरीका है। तो हमारे पास अली के साथ होने के लिए दलील है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सहाबी के, अब एक बात आ रही है तो मुझे भी अर्ज करने दिया जाए कि कहते हैं कि सहाबी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, सहाबी के खिलाफ वो जहन्नम के कुत्ते होते हैं। बेशक हक बात है, जो सहाबी में भूकेगा वो जहन्नम का कुत्ता है, बेशक ये बात हक है। ये बात वैसे करनी को नहीं पता थी। ये बात नहीं पता थी हुजूर बिन अजी को, ये बात नहीं पता थी। ये लोग तो सहाबी नहीं है, ये तो ताबईन है, ये ताबईन है, क्या इनको बात पता नहीं थी? क्यों खड़े हुए अली के साथ तलवार चूट कर, क्यों खड़े हुए अली के साथ? अल्लाह अकबर। तो अली के साथ खड़ा होना ये उवैस करनी की सुन्नत है, ये हजरत बिन अली की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, इसके ऊपर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाए जो उनके ऊपर लगाया गया था, ये अली वाले हैं, ये अली वाले हैं, ये हक में नहीं है। सुभान अल्लाह, हमें कबूल है, हजार मरतबा हमारे ऊपर लगाओ, मैं